So today we'll be doing notice writing. I hope all of you know what is a notice. So a notice, it is a short piece of writing. Usually it is written formally to announce an event like a competition, an exhibition or an inauguration to take place in near future. A notice is also written to make an appeal to help a poor student, to extend an invitation to a show or to announce an exertion. तो ये सब काम करने के लिए हम notices को लिखते हैं जब हमको कोई announcement करना होता है. सबसे जो characteristics है एक effective notice लिखने के लिए वो क्या है कि हमारा जो notice है वो हमेशा to the point होना चाहिए और बहुत clear होना चाहिए. इसके अंदर हमें ऐसा कोई भी जो हमें पॉइंट नहीं छोड़ना है कि सामने वाले को कोई फर्दर इंक्वायरी हो, उसको मतलब कुछ भी पूछना पड़े. हमारे जो इम्पॉर्टेंट बात है नोटिस की, जो हमारी वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड्स की हो जाती है. हमें कभी भी वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए और हमेशा नोटिस को हमें एक बॉक्स के अंदर डालना होता है. हमेशा नोटिस को हम एक बॉक्स के अंदर जो डालते हैं, बॉक्स के अंदर जो है नोटिस बनता है. फॉर्मेट क्या होता है नोटिस का, सबसे पहले हमको एक बॉक्स बनाना ज़रूरी होता है. उसके बाद में हमको नेम ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन लिखना होता है जो वो नोटिस को इशू कर रही है, ब्लॉक लेटर्स के अंदर, कैपिटल लेटर्स के अंदर. फिर हम लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखते हैं, एकदम सेंटर के अंदर हम कैपिटल लेटर्स के अंदर नोटिस लिखेंगे और हेडिंग लिखेंगे कि हम किस किस चीज़ का जो नोटिस है वो दे रहे हैं. फिर हम बॉडी लिखते हैं, जो भी हमारे नोटिस है मतलब सारी जो डिटेल है अपनी वो बातें बना देते हैं. फिर हमारा सिग्नेचर आ जाता है, ठीक है, और जो नेम है जिसने वो नोटिस इशू करा उसका नेम आता है ब्लॉक लेटर्स के अंदर, और प्लस जो भी नोटिस है वो कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी तो उसकी जो डेजिग्नेशन है वो आ जाती है. तो जो हमारा फॉर्मेट क्या है, वी हैव टू राइट द नोटिस इन अ बॉक्स, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इशूइंग द नोटिस इन ब्लॉक लेटर्स, डेट ऑफ द इशू ऑफ नोटिस, नोटिस हेडिंग ऑफ द नोटिस, बॉडी ऑफ द नोटिस, सिग्नेचर एंड नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस. तो आपको समझ में आ गया है जो फॉर्मेट है वो क्या है नोटिस लिखने का. हमको ऐसे अपना नोटिस लिखना है और उसको हमेशा ही एक बॉक्स के अंदर जो है वो डालना है. ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी है. अब हम एक एग्जांपल वन देखते हैं. न्यू एरा स्कूल न्यू दिल्ली, ये स्कूल का नाम आ गया है, डेट आ गई है 9th October 2012. नोटिस क्या है, एनुअल फीएट, एक एनुअल कार्निवल लगा उसके लिए हम नोटिस दे रहे हैं. All the students are hereby notified that a gala fete of fun and frolic will be held on the school premises on 30th October 2012 between 1 p.m. and 8 p.m. For more details, contact the undersigned. Sign आ गया, फिर block letters के अंदर का नाम आ गया रूपाली सिंह और उसकी designation क्या है, she is the head girl. अब हमको इसको एकदम सबसे पहले जो क्या है name of the institution आया है which is issuing the notice. उसके बाद में जो word notice है block letters के अंदर वो आया है. उसके बाद में जो क्या आया है, हमारी heading आई है, ठीक है. अब हम एक और चले जाते हैं, सेंट जॉन स्कूल आगरा, फिर notice आ गया, फिर हमारी date आ गई है. meeting of the house captains, a house captains, all house captains are required to assemble in the auditorium for a meeting to the principal to discuss the ways to improve the school discipline. The meeting will be held on 15th April at 10 a.m. For more details, contact the undersigned, Shobhit Roy, head boy. उसकी जो designation है वो आ गई है. तो I hope आपको समझ में आ गया है कि हमको notice कैसे लिखना होता है. So with this, I end my video here. Please, I hope you have understand the format of writing a notice. Have a good day, all of you.